यूपी के जनपद बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के गांव अगोरा से सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल को कायम रखने वाली खबर सामने आई है। यहां करीब 200 वर्षों से हर वर्ष निकाले जाने वाली मां काली की भव्य शोभा यात्रा के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा न केवल चंदा दिया जाता है बल्कि शोभा यात्रा कमेटी के साथ मिलकर यात्रा निकालने के लिए चंदा भी जमा किया जाता है। गाजे बाजे के साथ गांव के विभिन्न स्थानों से होकर गुजर रही भव्य शोभा यात्रा की ये तस्वीर बुलंदशहर से सामने आई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शोभा यात्रा में किस तरह जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। बता दें कि होली के शुभ अवसर पर गांव में आयोजित काली माँ शोभा यात्रा की शुरुआत गाँव के प्राचीन मंदिर से हुई। तो 52वीं शोभा यात्रा हमारी पूरी होने जा रही है। मेरा नाम राजकुमार गुप्ता जी है, मैं काली कमेटी का अध्यक्ष हूँ। दोनों समुदाय के हैं, मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय। मुस्लिम समुदाय ने मुझे बहुत बड़ा सहयोग दिया है, पैसा भी दिया है, इज्जत भी दिया है और कंधा से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रहे हैं। और हमारे यहाँ ऐसी कोई हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं है और हम सब बड़े आपस में भाई मिलजुल कर रहते हैं। हमारे प्रधान जी मुबारक अली खान, छोटे प्रधान जी नंदन खां प्रधान जी, हयात खां बीडीसी, रबात खां भूतपुर बीडीसी, सबका मुझ पर बहुत बड़ा सहयोग है और मैं अपने काम की तारीफ नहीं कर सकता, जितनी भी तारीफ कर सकता हूँ थोड़ी है। मुबारक खान, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया हिसाब किताब से हिंदू मुस्लिम एक तक बेहतरीन तरीका से निकलवा में सब लोग एक मिलजुल कर निकलवा में है, कोई परेशानी कैसी भी नहीं है, का सहयोग है, सब साथ मिलजुल कर निकलवाते हैं। बहुत काफ़ी समय से कोई कैसी प्रॉब्लम परेशानी ना है, सब चंदा इकट्ठा करके सब मिलजुल कर रसीद कटवा के सब एकता करके निकलवाते। माँ काली के स्वरूप व लांगुरों ने तलवारबाजी का शानदार प्रदर्शन किया। श्रद्धालुओं ने जगह जगह माँ काली की पूजा की तथा प्रसाद वितरण किया। वहीं काली माँ की शोभा यात्रा में खुर्जा की विधायक मीनाक्षी सिंह भी पहुंची और उनका भी लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पहले तो मैं आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जो आप लोग हमारे यहाँ अगोरा गाँव में आए हैं। और मैं आपको बस ये संदेश दे रही हूँ अपने विधानसभा के इस अगोरा गाँव के माध्यम से कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम एकजुट होकर चंदा देते हैं और ये दिखा रहे हैं, ये एक संदेश दे रहे हैं पूरे राष्ट्र के लिए कि एक होकर जिस धर्म के काम में लगे हुए हैं तो ये हमारी संस्कृति की पहचान है, ये हमारे भारतवर्ष की पहचान है, ये हमारे सनातनी होने की पहचान है। सभी लोगों में इतनी एकता है कि सभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि गांव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों में मुस्लिमों द्वारा न सिर्फ भाग लिया जाता है बल्कि शोभा यात्रा के लिए हिंदू मुस्लिम आपस में चंदा डालते हैं। वहीं हिंदू समुदाय के लोग भी मुस्लिमों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में न सिर्फ शिरकत करते हैं बल्कि सहयोग भी करते हैं। टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।